अच्छा, एक और चीज जो मैं जानना चाहता हूँ दोनों के बारे में, वो ये कि फैमिली के साथ क्या, फैमिली में कौन कौन है, क्या रिलेशनशिप है, हु इज वेरी वेरी क्लोज टू यू इन योर लाइफ? मेरे घर में तो मेरा दो बड़े भाई हैं, हाँ एक दोनों की शादी हुई है, मेरी अम्मी है, और अम्मी के अलावा माशाल्लाह कोई ज्यादा मुंह नहीं लगाता, तो फिर मेरी अम्मा मेरे सबसे करीब है, और फैजान की पूरी जो फैमिली है अच्छा, वो आपकी पूरी फैमिली वो मेरे बहुत करीब है। हाउ स्वीट इज दैट, एंड हु आर यू वेरी क्लोज टू इन योर फैमिली? हाँ, पहले जो इसने लास्ट बात बोली इस पे हम लोगों को बहुत अफसोस है कि ये क्यों हो गया, वी रिग्रेट दैट, लेकिन हो गया, हो सकता, क्या कर सकते हैं। लेकिन मेरा घर बड़ा क्लोजली निटेड है माशाल्लाह, सारे भाई साथ रहते हैं, बहनें साथ रहती हैं, तो अल्लाह का शुक्र है। फैजान का तो वो वाला खानदान है कि अगर भड्डा हो जाए ना तो पूरा खानदान ही मारने आ जाता है लड़के बुलाने के लिए, ये सबको पता है। अच्छा, कौन सा ऐसा गेस्ट जिंदगी में कभी मिला हो जिसके दिल किया कि यार हम लोग बस उठ के चले जाएं यहाँ से? नहीं नहीं ऐसा ना करें यार, ये नाम ले देगा ना। अच्छा, करें। मैं ले दूं लेकिन मुझे नाम याद नहीं, बुरी बात है, बुरी बात। वो एक मॉडल आई थी, कोई था ऐसा? काफी लोग काफी थे। अच्छा, काफी? हाँ, काफी काफी में से किसी का नाम तो याद होगा, बोलो एक नाम। नहीं, नाम का मसला फौरन हो गया ना, सीरियस। नहीं नहीं, अच्छी बात है उसको नाम याद नहीं रहते। मैं आपको नाम बता देता वाकई में, लेकिन नहीं, मैं शक्लें दिखाता हूँ, मुझे बताओ शक्लें दिखाएं आप। आपने एल्बम बनाया हुआ है? अब बस दुआ करें मैं उनके बारे में कुछ और ही ना बता दूं, अजीब सा निकल आएगा। नहीं, मैं ज्यादा नहीं बता रहा, इतना ही होना ठीक है। अच्छा, फिर नाम, चलो नाम नहीं बताओ, वैसे बताओ क्या हुआ था? वो हुआ ये था कि वो आई थी और वो हर बार फैसल भाई करते थे कि अच्छा मुझे ये बताइए कि जब यूं हुआ तो ला 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 ला, तो कहती थी नहीं ये उनका एलैबोरेटेड जवाब था ये, हाँ, अब सोच रहे क्या सवाल करें भाई। बिल्कुल, तो फिर हम आपस में बात करने लगे थे, 2.5 घंटे का शो था, हमने आपस में बातें की, उनको भेज दिया। और इसी के बरक्स हमारे पास ऐसे गेस्ट आए कि हम कहते हैं यार शो खत्म हो गया, वाकई ये तो भी और होना चाहिए, इंस्टेंटली गुजर गया टाइम। मुझे आज तक याद है कवि सर आए थे हमारे शो पे, कवि साहब की क्या बात, और मैं आपको बता नहीं सकता, कवि साहब इज अ लेजेंड, एब्सोल्युटली अमेजिंग। अच्छा, कोई ऐसा एक्टर या एक्ट्रेस आई हो जो गुस्से में आ गया कि भाई तुम बहुत ओवर हो रहे हो या तुम बहुत ओवर हो रहे हो? मारिया वास्ती जी गुस्सा कर गई थी। अच्छा, क्यों? बिल्कुल, क्योंकि हम बिल्कुल ही नए थे, अभी भी हम नए हैं, लेकिन उस वक्त बिल्कुल ही अंडे से निकले थे। हालांकि मारिया तो इतनी विटी है, उसका अपना सेंस ऑफ ह्यूमर इज अमेजिंग, शी इज ब्रिलियंट। उस दिन वो खाली विटी चल रही थी, सेंस ऑफ ह्यूमर तो नहीं चल रहा था। मैं मारिया से भी मैं अभी भी मारिया से पूछते नहीं नहीं, फिर उसके बाद तो मसला हल हो गया, लेकिन वो उस दिन गुस्सा कर गई थी शो पे। मारिया गुस्सा कैसे कर सकती वो है? हुआ ये था, मैंने उनसे मैं बच्चा बहुत ही हरकत ऐसी की होगी। नहीं नहीं, ऐसी कोई हरकत नहीं ऑफेंड होने वाली। अच्छा, ये एक कैरेक्टर कर रहा था बच्चे का, हाँ। तो उसके पास ये लेवरेज था कि चीजें भूल जाता है, तो ये उनका नाम याद नहीं कर पा रहा था, एंड शी गॉट ऑफेंडेड। ये क्या, मैं उनसे पूछ रहा था कि आपका क्या नाम है, तो वो इस पे दब गई कि तुम मेरा नाम नहीं पता तुम्हें, मैं इतनी पुरानी हूं। ये सही है, कोई बात नहीं, इतनी पुरानी मतलब। लेकिन वो लड़ाई सिर्फ एक ब्रेक तक की थी, फिर वो सेटल हो गई। फिर हम उनके शो पे भी गए थे, हमने 35,000 रुपया लिया था, बिल्कुल अच्छा अच्छा हो गया उसके बाद, गुड रिलेशनशिप, शी इज द बेस्ट। ये वाली बातें नहीं बताते यार, इतने कम बता दिए ना लोग, तो ज्यादा बताते ना सब एक्टर्स। वो नंबर वन चैनल के बाद बजट ज्यादा नहीं होता। खैर, हम असल में बहुत जगह ना दोस्ती यारी में फंस जाते हैं, दोस्ती यारी में बहुत जगह फंस जाते हैं हम। हाँ, ये तो है, यहाँ तो नहीं फंसे। नहीं 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 नहीं, हम तो यहाँ भी 15,000 रुपया कम किया डीके की वजह। अब वो एक अलग बात है कि दूसरी दफा रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन दोस्ती यारी में हम फंस नहीं रहे, मसला ये दोस्ती यारी की वजह से काम मिल रहा है। अच्छा, क्या लगता है इस फील्ड में, अब जिस फील्ड में हम लोग हैं माशाल्लाह, यू आर डूइंग वेल, तो तभी तो इधर हैं इस वक्त मेरे साथ बातें कर रहे हैं। सो व्हाट डू यू फील के फ्यूचर क्या है और क्या करना है आगे जाके? मुझे सच्ची बात है, मैं कोई इतनी प्लानिंग नहीं करता जिंदगी के बारे में, बगैर सोचे समझे सब काम, बस जो काम आ रहा है अगर वो इन कैमरे के आगे तो मैं जाके कर लूंगा। अरे वाह, जैसा भी आएगा कर लूंगा, आई डोंट केयर कि बड़ा चैनल छोटा चैनल, बड़ा प्रोजेक्ट छोटा प्रोजेक्ट, जो आएगा मेरे पास डेट है, आप मुझसे काम करा ले, मैं एंजॉय करूंगा यार, चला जाएगा। सो ही एंजॉयज हिज वर्क ना, ये मजे से काम करता है, ठीक है। एनीथिंग दैट कम्स, सो दिस इज योर ब्रेड एंड बटर नाउ, यही काम है जो कर रहे हो बस। बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ यही है और कुछ आता ही नहीं है, और कोई उधार भी नहीं दे रहा। गाड़ी के लिए लोन अप्लाई किया तो वो भी रह गया। अच्छा, व्हाट अबाउट यू, क्या अपने आप को क्या देखते हो, कहां देखते हो? आई वुड लाइक टू डायरेक्ट, जो पढ़ी हुई एक है चीज, वो मैं चाहता हूँ कि इम्प्लीमेंट की जाए, फायदा भी उठाए। एब्सोल्युटली, तो वो मैं जब एज एन एक्टर भी काम कर रहा होता हूँ ना, तो मजा आ रहा होता है कि लेंस कौन सा लगा हुआ है, एडिट कैसे होगा, ये सारी चीजें, तो वो आई वुड लाइक टू इम्प्लीमेंट दैट नाउ। ओके, फैजान की तो शादी हो चुकी है माशाल्लाह, माशाल्लाह। आप क्या प्लान है भाई? मेरी तकरीबन हो जाती है, फिर फंक्शन से पहले कुछ मसला हो जाता है। इस आदमी की वजह से फंक्शन से पहले बोला है, कुछ और नहीं बोला। नहीं, आपको फंक्शन से पहले ही होनी चाहिए, आपको नहीं पता वो फंक्शन किस चीज को कहता है।
नहीं मैं शादी कर लूंगा, अब मैं कर लूंगा। इससे सारे करीबी दोस्त नाराज हैं क्योंकि तीन चार चार सूट बन चुके हैं और फिर वो कैंसिल हो जाता है। अल्लाह वो ये क्या चक्कर है यार, बस वो हो जाता है। अभी कल रात को फैसल भाई हमें कह रहे थे कि यार इसका क्या करना है, मतलब मेरा, तो मैंने कहा यार मैंने पिछले साल शादी करनी थी लेकिन कुछ लड़की और उसके मसले मसाइल हो गए थे। ठीक है, लेकिन क्या मसाइल हो गए थे? मस्तन घरेलू मसाइल क्या हो गया था, उसको होश आ गया, होश आ गया। तो बस फिर वो खत्म यार हो गया। क्या मतलब है इस बात का यार, ये तो नहीं, ऐसी बात सही कह रहा है ये। अच्छा हाँ, मेरे साथ वक्त गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसकी क्या वजह? आस्क मी क्या वजह बता। एक आदमी इंतहाई मूडी है भाई, और वो आपको आपको भी पता होगा शादी में मूडी पर नहीं चलता आपका। नहीं चलता तो आपको कभी कभी लगता नहीं है ऐसा यार, देखने में लगता है ऐसा बिल्कुल। अरे सोच आप नहीं, अभी क्या होता है मूडी में, क्या करता है कोई, मतलब सड़कों पर निकल जाता है? नहीं बात नहीं करनी मुझे, बात नहीं करनी मुझे, किसी से बात नहीं करनी मुझे, छोड़ दो। मेरा असल में ये, मुझे हर महीने ना, हर महीने आठ दस दिन के लिए ना, हर महीने मेरा मूड खराब हो जाता है। मैं हर महीने ऐसा हो जाता हूँ 10-12 दिन के लिए के बस रीजन बस हो जाती है मेरी लोगों से। मुझे इस इंडस्ट्री की ना 2-3 चीजें चुभती हैं, और क्योंकि अब मैं इसका हिस्सा हूँ तो वो चुभती रहती हैं ऐसे ऐसे करके ना मुझे, तो मेरे मैं अजीब सा हो जाता हूँ एक दिन। अच्छा वो क्या है? अब क्या वो ये कि बस बहुत नकली बना और हर वक्त रिफ्रेश। बेटा 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 आगे भी काम नहीं 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 सही है, एक मिनट रिफ्रेश करना। मैं आपको देखिए, मैं आपको भाई और सर इसलिए बोलूंगा क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं और मैं आपकी इज्जत करता हूं, और अगर मैं आपको नहीं जानता तो फिर नहीं जानता। यहां ऐसा कि मुझे पता है ना, अगर एहसन भाई का कोई शो चल रहा है फिर सब लोग, और मैं गेस्ट आ सकता हूं, एहसन भाई ये नहीं होता, ये नहीं होता मुझसे, तो बस वो कभी कभार मैं। लेकिन शायद ऐसा होता हो बिकॉज हमारे पास कॉम्पिटिशन तो है लेकिन प्रिविलेज नहीं है, इतने चांसेस कम है, तो लोग एक दूसरे को। अच्छा मेरा इस पे सवाल होता है कि हमने कंपटीशन में पढ़ना क्यों है? हाँ, पढ़ना भी क्यों है? जब हमारे पास एक एहसन खान है तो मैंने दूसरा एहसन खान क्यों पैदा करा? एक अच्छा खासा है, एक अच्छा खासा है, कुछ और बन जाए। एग्जैक्टली, तो हम लोग ये सांचे में क्यों फंस जाते हैं अनफॉर्चुनेटली? ये बात है, सो आई डोंट एग्री टू इट। आपका अपना रंग होता है, आप अपना रंग दिखाएं। हर चीज आप जब तक यूनिक नहीं होंगे तब तक आप स्टैंड आउट भी नहीं करेंगे। एग्जैक्टली, अगर आपकी तरह के 10 लोग हैं तो फिर आपका कोई फायदा नहीं है। आप देखें, आप इतने अच्छे होस्ट हैं, आपने कराटे कर लिया, बेल्ट आप बांध नहीं रहे, एक अलग बात है, लेकिन अरे लेकिन देखें एक अच्छी बात, यूनिकनेस है ना, देखो ये वो है, अपनी पेटी कस ले, पेटी कस ले। और बोलो बोलो नहीं, बोलो, तो ये काम है, अच्छी लग रही है फैशन में ये वैसे भी आजकल। और बस आप बहुत अच्छे हैं, बहुत लगा मैं इसके आगे। और प्लीज एहसन भाई को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर कुछ ना कुछ तो होगा ही। अच्छा कोई मैंने सुना तो कि वेट लॉस जर्नी शुरू की हुई है ये वो उसने तो बहुत ज्यादा की हुई है। मैंने बहुत लूज कर लिया, 2 साल पहले की थी फिर। हाँ मैंने 40-45 केजी गिराया, उसके बाद इतना निकला हूँ सोचे। पहले मैं अपने क्लोज में और सामने वाले के क्लोज में दोनों में होता था, तो अब मैं सिर्फ अपने क्लोज में आ जाता हूँ। ये अकेला टू शॉट करता था। अच्छा क्या क्यों क्या? बस वो वेट इसलिए गिराया क्योंकि एक तो टीवी पे काम करना था, थोड़ा जरूरी था, फिर मैं बहुत। लेकिन एज नहीं मिल जाता कभी कभी, ऐसे होता है कि जब आप थोड़े अलग लग रहे होते हैं, जैसे मैं अहमद अली भट्ट को हमेशा ये बोलता हूँ कि he looks so different and he's obviously unique, तो वो एक look suit भी करती है, तो क्या है? I mean आम ज़िंदगी में तो छोटे बड़े लंबे ऊंचे मोटे पतले, it's normal यार, हमारे यहाँ पे ज़रा प्रेशर ज़्यादा करते हैं कि भाई आप एक ही तरह के, आप बस दुबले पतले वो हो जाए, इस तरह के हो जाए। वो मुझे खैर इतना पतला तो नहीं होना, लेकिन मैं आपको बताऊँ मैंने इसलिए भी किया था क्योंकि मुझे 3 बार कमर्शियल की कॉल आई थी ना, तो उन्होंने कहा कि आप आए स्क्रीन टेस्ट के लिए, तो जब मैंने कहा अच्छा जी मैंने क्या करना, उन्होंने कहा आपने फैटी का करेक्टर करना है। फैटी? मैं कहा ये कैसा करेक्टर होता है? बोला नहीं आप इसमें फैटी वाले। तो फिर मैं दूसरी बार क्या फिर फैटी वाले, तीसरी बार क्या फिर फैटी वाले। मैं कहा यार तो सही है ना, देखे ना ये प्रॉब्लम है, ये यूनिकनेस है यार, उनको कोई और नहीं मिला भाई। हर सर टीवी पे ना हर मोटा आदमी हर वक्त घारा होता है। नहीं तो क्या कैरेक्टर देते हैं, और मतलब क्या कहते हैं आपको, मैं हम क्या बनाना चाह रहे हैं, कोई शाहरुख खान का कैरेक्टर दे? लेकिन नहीं I mean, मुझे तो वैसे भी क्योंकि हम थिएटर से आए तो हमें कैरेक्टर्स एक्टिंग ओरिएंटेड एक्टिंग हो रही हो तो वो अच्छा रहा, लेकिन ये कहना कि यार स्क्रिप्ट में सिर्फ एक मोटा लड़का है तो अब इसको ले लो क्योंकि ये मोटा है तो इससे काम नहीं करना, मर जाए। बट आई बिलीव योर स्किल मैटर्स एंड योर अमेजिंग इन योर वर्क, और आपकी जो अपेरेंस है वो तो अच्छी है, ब्रिलियंट है, एंड डजंट मैटर कि लोग क्या सोचते हैं। बिल्कुल ऐसे योर स्किल इज और सर खत्म, आपको अपना काम आना चाहिए और आपकी माँ की दुआएं साथ होनी चाहिए, और अल्लाह मियां पे भरोसा होना चाहिए। बस हम जैसे भी यहाँ बैठ गए आगे तो फिर